साहब जय भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार से। इस चीज की तारीफ करते हैं कि हमारी सरकार की हमने लैपटॉप बांटे, मोबाइल बांटे। अभी बीजेपी सरकार 1 करोड़ लोगों को, यूथ को लैपटॉप देने जा रही है। इस संबंध में बीजेपी सरकार देने जा रही है ना, दिया तो उन्होंने 2 करोड़ रोजगार भी है, 15 लाख भी दिए है उन्होंने, तेल 35 रुपए लेने का वादा किया था। तो देते तो बहुत कुछ है, लेकिन आज तक जमीन पे कुछ आया नहीं जो। और आप हमारी सरकार से अगर कंपेरिजन करें तो हमारे नेता जी हों, चाहे मुलायम सिंह यादव जी, चाहे अखिलेश यादव जी, उनका घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए, जो भी घोषणाएं की है समाजवादी सरकार ने, सारी एक एक योजना पूरी करने की कोशिश की है। चाहे 22 जो आप अभी बैठा मुक्ति की बात कर रहे थे पहले, तो 5 साल होने वाले हैं, 5 साल में नहीं बन गए, 35 किलोमीटर। और एक्सप्रेसवे 22 महीने में तैयार किया था अखिलेश यादव ने, तो इसके लिए नियत होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की और उनकी घोषणा पर जनता को विश्वास रह नहीं गया है, जनता इनको हटाने जा रही है और समाजवादी की सरकार लाने जा रही है। आइए हम बात करते हैं अल्पसंख्यक मोर्चा से है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं अल्पसंख्यक मोर्चा। सर आपसे मैं एक क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में अल्पसंख्यक के ऊपर बहुत ज्यादा एट्रोसिटी होती है, आपकी सरकार की तब भी एट्रोसिटी, और क्या 2022 में सरकार आपकी आती है तो क्या एट्रोसिटी कम होगी या इसी तरह कंटिन्यू चलती है? देखिए अल्पसंख्यक समाज के ऊपर जो भाजपा की सरकार बराबर कटाक्ष और उनका उत्पीड़न कर रही है, ये मैं बता दूं कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में 22 में माननीय राष्ट्रीय असेंबली शरबती की सरकार आएगी, अल्पसंख्यक समाज के लिए बड़ी खुशी मिलेगी और विकास पुरुष मर्यादा माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव, तो उनको ही हम लोग बेहतर चेहरा देखते हैं और उनसे ही उम्मीद करते हैं कि वो अल्पसंख्यक समाज के लिए कुछ करेंगे। बीजेपी का एक कहना है कि मेरी सरकार में अल्पसंख्यक वर्ग मुस्लिम समुदाय बहुत सुरक्षित है और महिलाएं हमारे साथ हैं। भाई आप कैसी बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की ही वो राजनीति करते हैं और वही मुसलमान कैसे सुरक्षित होगा, कहीं कैसे सुरक्षित होगा? आप हमारे देख लीजिए अभी निकाल चलते हैं कि अजय मुसटेनी थे उनके ऊपर नए दाढ़ी वाला भी मामला हुआ, कितना ज्यादा चर्चा में आया कि अजय इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देंगे, उनके इस्तीफे के बाद तो वैसे ही हो गए, कोई भी चीजें सामने नहीं आई। जो हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करता है उसमें कैसे आप मान लेंगे कि अल्पसंख्यक समाज के लिए सुरक्षित कहां से सुरक्षित है? मानी राष्ट्रीय शरबती की सरकार उत्तर प्रदेश में तो हम सुरक्षित महसूस करेंगे, विकास के कई रास्ते खुलेंगे। अल्पसंख्यक समाज में अभी यूनिवर्सिटी को, नई नई यूनिवर्सिटी खोलने के लिए बीजेपी सरकार बोल रही है कि हम अल्पसंख्यक के लिए मुस्लिम को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सिटी खोलेंगे और उनके अलग से विचार है, इनको हम सैलरी देंगे, वेतन देंगे। देखिए मदरसा टीचर का जो आपने बात कहा और मैं शिक्षा के लिए आपको बता दूँ, शिक्षा विरोधी सरकार है भारतीय जनता पार्टी। मदरसे के ऊपर अगर आप बात कहते हैं तो मदरसे के जो MA के टीचर जो उसमें होते हैं BA उनको 12,000 का मानदेय, जो MA के टीचर होते हैं उनको 15,000 का मानदेय होना चाहिए मेरी जानकारी के अनुसार, और उन लोगों का पेमेंट आप ये समझिए कि साल साल भर रहता है मदरसा टीचरों का, उनका पेमेंट उनके खाते में नहीं पहुंच पाता है। अगर भारतीय जनता पार्टी हर महीने उनका पेमेंट दे दे तो उन मदरसा टीचरों के लिए पेट गुजारने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए, तथा अगर 12,000 भी देते हैं तो उनका एक पालन पोषण हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक साल आप मालूम कर लीजिए, अगर दिल्ली से उनका पैसा केंद्र से पास हो गया तो लखनऊ वाला ने जाता है, लखनऊ से पास होगा तो लखनऊ में ट्रेन अब क्या चलने जाएगा, किस पे जाकर जाएगा उनको पैसा एक साल से 2 साल। और तो आपको बता दूं कि मदरसा वालों का टीचर जो है उनके 4-4 साल के पेमेंट बाकी है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर रही है, ये मैं बताना चाहता हूँ। अभी वैकेंसी आई है TGT की वैकेंसी आई, उसमें तो सर हम बात कर रहे थे मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा के बारे में, बीजेपी सरकार अभी जल्दी वैकेंसी निकाली थी,
और उस उनका कहना मानना था कि योग के फीचर हमको नहीं मिले। अब ये तो जो है आप इतना देखिए योग्यता के अनुसार आप देखेंगे तो एक ओल्ड क्लास की नौकरी की अगर नौकरी है तो उसमें पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट पीएचडी वाले लोग अगर पास करते हैं तो आप कैसे कह सकते हैं योग्यता के अनुसार में कि आपकी आप योग्य नहीं है। भाई उनके पास नौकरियां नहीं, वो जनता को चूतिया बनाने का काम कर रहे हैं और चूतिया बना बना के ही अपना और जनता इस बार समझ चुकी है, जनता ने पूरा मन बना लिया है इस बार भाजपा के अध्यक्ष माननीय देश के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और अगली बार सपा सरकार। सवाल करते हैं जिला कार्यकारिणी के वरिष्ठ नेता है त्रिभुवन सिंह सहगल जी के पास। जी सहगल साहब बताइए, पूछिए, पेट्रोल का दाम बीजेपी ने लगातार 96 रुपए कर दिया और आप लोग कह रहे हैं जिला में महंगाई है, देश की महंगाई। आपने सही सवाल किया है और आपने कहा कि घटा के जो 96 रुपए कर दिया क्यों ₹96 हम तो ये कह रहे हैं कि आप लोग चौथा स्तंभ माने जाते हैं। आप जमीन पे आके आपने वोट की बात करी और आपने पेट्रोल की बात करते पहले पेट्रोल की बात पूरी कर देना। इन्होंने कहा जब 410 का सिलेंडर मिलता था तब यही कौन हो नाम जानते हो तो नहीं जानते हो मैं बता दू जो उनका नाम है उनका भैया नाम उनका स्मृत की रानी क्योंकि मैं किसान था तो इसलिए हमें पूरी जानकारी नहीं। तो वो कह रही थी कि जब से आई है कांग्रेस महंगाई तो कांग्रेस और भाजपा दोनों मिले मिलते एक एक व्यक्ति मंत्री। दूसरा सवाल मेरा यह है जब तेल 65 रुपए में 60 रुपए में मिलता था तब ये कह रहे थे बहुत बड़ी महंगाई, प्याज महंगाई पा रहा तो माला पहनने बैठ जाती थी चूड़िया पहनाने लगती थी। तो मेरा यह कहने का मतलब है आपके चैनल के माध्यम से जमीन पे आप जाए और जमीन पे पूछिए किसान की दुर्दशा क्या है, जो भी अपने धान को अपने खून पसीने से सींचा था डीजल पेट्रोल खाद दवाई हो रहा है और सारा एक झटके में उसका चल रहा है, एक दाना उसको नहीं मिला तो मिला वो मंडी में कोई खरीद नहीं रहा, कह रहे थे हमारा मार्जिन नहीं आ रहा, कह रहे थे कि इसमें जो है आपका जो है धान गीला है इसमें चावल टेढ़ा होता है सीधा नहीं होता। तो भाई कहा किसान की दूरी प्रॉब्लम है, आप देखिए 11 महीने से किसान माटा पे मर रहा है, इस पर भी सवाल कर ले किसानों के हित में सरकार करना चाहिए आप लोग किसानों के हित में करने जा रहे। अरे भाई किसान डिमांड है वो जो अनिल अंबानी मुकेश अंबानी पहले हमने कहा आपके चैनल के माध्यम से कह रहे वो भाई 60 लाख हमारी जमीन होगी और हमको बंधुआ मजदूर बना लेंगे, हमारी जमीन होगी हमारे जमीन करा लेंगे एग्रीमेंट करा के भैया इसमें आलू बोना है इसमें आपको एक प्याज लगाना है आपको गन्ना बोना है तो उनकी मर्जी से करेंगे ना, जब हमारा आलू गन्ना जब टेढ़ा होगा तो उन्हीं के मोहल्ले के मंडी में जाएंगे तो आप क्या करेंगे कि भाई तुम्हारा आलू छोटा तो कानून नहीं बना रहे हम लोग गुलाम बना रहे इसलिए विरोध कर रहे। अरे भाई तुम कह रहे हैं कि कानून चाहिए तो भाई जब कानून बन रहा था कोरोना चल रहा था मथुरा किसान का बेटा हमारे चैनल में भाजपा पढ़ा हो अब आप हम ही से सवाल कर रहे हो, हम चैनल से सवाल कर रहे हैं कि देखिए मोदी मीडिया कितना घूम रहा है अभी कोई बोल देगा आपका चैनल बंद हो जाए अभी जगह उत्तर माना। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो मोदी पहली बेसरम सरकार है जो बैठी है देश में वो क्या करने राष्ट्रीय
सांसद उनके सामने जी रहा हूँ। तो इस चरित्र जिसका ऐसा हो, मेरा मानना है जब जब भाजपा आई है तब तब देश को लूटने का काम किया है और ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और आपने पेट्रोल की बात आ 5 रुपए 11 रुपए अब ये लोग 30 पैसा बढ़ रहा है, कोई तो तुम पहुंचा क्या करेंगे? इसमें भी तो काम थे वो क्या करके बाकी महंगाई को ये इंटरनेशनल प्राइस आए होता है इसमें से क्या है पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं ऐसा सरकार बताती है लोग भी बताते हैं। यू भैया का हो देख रहे जिंदगी बताए थे उनका सही यू प्राइस का होकर रहना है मतलब कच्चा तेल महंगा मिल जाता है क्या तेल का जहाँ प्रोडक्शन होता है हाँ ऐसा कैसे जब कांग्रेस था तब भैया ने महंगा रहा तब तो हुआ था सत्ता अब इस समय भाई जीएसटी क्यों नहीं लेते? अरे हम कब बेवकूफ बनाए गए किसान आपने भाई? अरे मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ आप भी सवाल कर रहे हो भाई आप जान रहे हो आप चैनल चला रहे मुझे सही बोला था आप हमारे एक चैनल लेके चलिए यहाँ से 15 किलोमीटर काम क्रांति कैसे हो गई सर और एक बैरागर से टाइगर रोड जा आपने हमसे कहा देखिए गुंडे है कार्यकर्ता है सब घूमते हैं और कोई खाना घूमते थे कोई गुलाब घूमते थे कोई चेहरी घूमते थे तो कोई घूम रहा भाई तो हाँ बात सही कहा
जिससे आम आदमी का
जीना बिल्कुल दुर्लभ हो गया है और इस सरकार से पूरी तरीके से यूपी की जनता पूरी तरीके से बहुत परेशान है। उसके बाद फिर मोदी सरकार ने 5 करोड़ों को गैस सिलेंडर प्राप्त कर रहे हैं। गैस सिलेंडर दिया मोदी सरकार ने, उसके बाद जब गैस सिलेंडर 1000 रुपए का कर दिया तो गरीब आदमी बेचारा भरवा ही नहीं पाएगा गैस सिलेंडर। गरीबों को तो सब्सिडी हमारे देश की जो चौकीदार है मेरा भी बहुत करना है।